दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे चर्चा में है नोटा यानी नन ऑफ द एबव, समझते हैं इसे। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार तथा भारत के निर्वाचन आयोग से अदालत में दायर एक याचिका पर प्रतिचर देने का कहा है। याचिका में नोटा यानी उपरोक्त में से कोई भी नहीं या नन ऑफ द एबव के पक्ष में सर्वाधिक मतदान होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में फिर से चुनाव कराए जाने की मांग की गई है। बात करें इस याचिकाकर्ता की तो इसने क्या क्या मांगे पेश की हैं, तो मतदाताओं द्वारा अस्वीकृत किए गए उम्मीदवार को फिर से नए चुनाव में उतारा नहीं जाना चाहिए, मतदाताओं के लिए अस्वीकार करने का अधिकार का प्रदान किया जाना चाहिए, यह प्रावधान मतदाताओं को उम्मीदवारों को चुनने के लिए बेहतर विकल्प प्रदान करेगा। बात करें तो नोटा का उपयोग की तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2013 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए नोटा का विकल्प निर्धारित किया गया था। इस प्रकार भारत नकारात्मक मतदान करने वाला 14वां देश बन गया है। बात करते हैं नोटा का चुनाव में महत्व क्या होता है या क्या इम्पोर्टेंस है, तो चुनावी उम्मीदवारों के प्रति असंतुष्ट होने पर नोटा आम लोगों को अपनी नापसंदगी व्यक्त करने का अवसर देता है। यह अधिक लोगों द्वारा अधिक मतदान करने की संभावना को बढ़ाता है, भले ही वह किसी भी उम्मीदवार का समर्थन ना करते हों, और इससे फर्जी वोटों की संख्या भी कम होती है। बात करें तो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि नकारात्मक मतदान चुनावों में एक संस्थागत बदलाव ला सकता है और इससे राजनीतिक दलों को स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों को पेश करने के लिए विवश होना पड़ेगा। बात करें तो राज्यसभा में नोटा का महत्व क्या है, तो राज्यसभा में नोटे के महत्व की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में कहा था कि नोटा का विकल्प केवल सार्वभौमिक वैध मताधिकार तथा प्रत्यक्ष चुनावों के लिए उपलब्ध है, ना कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जिसे हम अनुपातिक प्रतिशत प्रणाली सिंगल डायरेक्ट निर्वाचन हेतु नोटा का विकल्प नहीं होता है। बात करें तो अदालत के अनुसार राज्यसभा निर्वाचन में नोटा लागू करना संविधान के आर्टिकल 80 के क्लॉज 4 और भारत के PUCL बनाम भारत संघ 2013 मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत है, क्योंकि नोटा अप्रत्यक्ष चुनावों में निष्पक्षता के उद्देश्य को असफल कर देता है तथा यह इस प्रकार के चुनावों में निर्वाचक की भूमिका को जरूर को नज़रअंदाज कर देता है और दरअसल और दल बदल और भ्रष्टाचारी जैसी कुप्रथाओं को प्रोत्साहित करता है।